नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा उस व्यवस्था की जो हमने बहुत तेजी से एक्सेप्ट की है। हम बात कर रहे हैं आज नेशनल हाईवेज की। बहुत तेजी से विकसित होते हाईवेज और बहुत तेजी से आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं और उसके बदले मिल रहा है टोल। क्या टोल किसी की जान का दुश्मन हो सकता है? बिल्कुल। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं अब, ये फिरोजाबाद जनपद के टूंडला टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। यूपी का जनपद फिरोजाबाद और उसका टूंडला टोल प्लाजा, यहां लगभग एक घंटे तक जब सिस्टम कोलैप्स हो गया और उसके बाद यहां एम्बुलेंस जब फंस जाती है तो ना तो टोल प्लाजा का कोई कर्मचारी आकर उस एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाता है, ना ही उस लाइन को क्लियर किया जाता है। यहां सवाल यह खड़ा होता है कि एक मरीज की जान कितनी कीमती है। जब हमारा जो मूल अधिकार है हमें समझाता है, सिखाता है, अगर हम बात करें तो हमें यह भी सिखाया जाता है अगर कोई एम्बुलेंस रास्ते में है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, तो पहले हमें उसको रास्ता देना है एम्बुलेंस में, लिहाजा मरीज ही होगा। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, लाइव तस्वीरें, जहां मैं मौके पर मौजूद था। टूंडला टोल प्लाजा पर सॉफ्टवेयर हैंग हुआ और सिस्टम कोलैप्स हो गया। सिस्टम कोलैप्स हुआ तो लगभग 1 किलोमीटर लंबी कतारें दोनों तरफ से लग गई, दोनों तरफ से ट्रैफिक फंस गया। 7 लेन, यानी 7 लेन इधर और 7 लेन उधर, 14 लेन का टूंडला टोल प्लाजा है जिसपे गाड़ियां पास होती हैं और दोनों तरफ से एक एक लेन को रिजर्व रखा जाता है जिससे इमरजेंसी के लिए कोई भी गाड़ी पास की जा सके। लेकिन आप लापरवाही देखिए टोल प्लाजा मैनेजर की, या यूं कहें टोल प्लाजा प्रबंधन जो है उसकी लापरवाही देखिए कि किस तरह से गाड़ी फंसी रही। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्टिंग। इस वक्त हम टूंडला नेशनल हाईवे, ये टूंडला टोल है फिरोजाबाद नेशनल हाईवे का, मैं दिखा दूं आपको ये फास्टैग की स्थिति है, कितना लंबा जाम लगा हुआ है। पिछले 15 मिनट से एम्बुलेंस यहाँ फंसी हुई है, लगातार रूटर के बावजूद ये रोड क्लियर नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा दूं इसमें एम्बुलेंसी के लिए क्रिटिकल कोई मरीज है, इससे बात करते हैं ड्राइवर से। आओ, इसमें कौन मरीज है? क्या दिक्कत, क्या मरीज को? सर इसमें दिक्कत है, पेशेंट को दिक्कत है, पेशेंट को दिक्कत है सर। क्या काय का पेशेंट है सर? कटे उड़ तालू का पेशेंट है सर। पेशेंट है जी सर। कहाँ लेके जा रहे हो? आगरा जा रहा हूँ सर। आगरा जी। कितनी देर हो गई यहाँ पे? सर 10 मिनट हो गई मेरे। 10 मिनट हो गई फंसे हुए जी सर। तो ये नेशनल हाईवे की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस पिछले 10 मिनट से सायरन दे रही है, लगातार ट्रैफिक फंसा हुआ है। तो जो फास्ट टैग के जरिए बहुत तेजी से वाहन पास कराने की जिम्मेदारी होती है, कोई भी लेन खाली नहीं है जिसमें इमरजेंसी में कोई मरीज फंस रहा है तो उसको पास किया जा सके। हम बात करते हैं यहाँ पर जो टोल इंचार्ज है या टोल पर इतने सायरन के बावजूद पास नहीं हो रहा, क्यों, क्या दिक्कत है? क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? हैं? सिस्टम हैंग हो गया है। हाँ जी। किस वजह से? गर्मी की वजह से सिस्टम हैंग हो रहे हैं सर जी। सिस्टम हैंग हो गया, कितनी देर से ट्रैफिक फंसा हुआ है? दो चार मिनट हुई है बस। 10 मिनट से तो मैं खड़ा हूँ पीछे। हाँ सर, आप हमारे मैनेजमेंट से बात कर रहे हो? लगभग 15 मिनट से तो मैं ही यहाँ पर हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी लेन नहीं खाली छोड़ी गई थी। तो नेशनल हाईवे की जो व्यवस्था की हम बात करते हैं, ये टूंडला टोल है। ये मैसेज मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वायरल हो, उन अधिकारियों तक बात पहुंचे कि आखिर हम सुविधाओं के नाम पर टोल प्लाजा में क्या दे रहे हैं। आप जिस बेतरतीब टोल वसूल रहे हैं, क्या उसके एवज में हम सुविधाएं दे पा रहे हैं आम जनमानस को? बकौल टोल मैनेजर, 15 मिनट पहले यह सिस्टम कोलैप्स हुआ था, पूरा ट्रैफिक रुक गया था। अब मैनेजर साहब से जब यह सवाल किया गया तो भड़के, लेकिन उनके पास भी जवाब नहीं था कि आखिर एम्बुलेंसेज को कैसे निकाला जाए। उनकी जो 7 लेन थी आने और जाने की, 7-7 लेन, वो दोनों तरफ से चौक थी, ट्रैफिक बेइंतहा था, लोग फंसे हुए थे। जबकि टोल प्लाजा के नियम कहते हैं कि अगर 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा डिले हो रहा है
तो हमें ट्रैफिक फ्री कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता की गाड़ी कमाई वसूलनी है, लिहाजा आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाए, लोग डेढ़ घंटे जाम में खड़े रहे, आधे घंटे जाम में खड़े रहे, लेकिन टोल प्लाजा प्रबंधन इस पर जो है एक्शन नहीं लेगा, वो टोल फ्री नहीं करेगा, क्योंकि उसको आपसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, चाहे इसके एवज में किसी मरीज की जान ही क्यों ना चली जाए। ये तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं, गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये बात पहुंच सके। मरकरी माइक की स्वतंत्र आवाज को बुलंद करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।